Hello everyone, good morning. This is Mamta Verma. So we were continuously doing the Augustan sage ko kar rahe the. So last class mein humne complete kiya tha four wheels of prose. Four writer the novelist jinko four wheel of prose bola jata hai, so include kiya jata hai usme. ठीक है, तो उसको लास्ट में हमने कंप्लीट किया था. नाउ जो नेक्स्ट नॉवलिस्ट है, इन्हीं के साथ जो काउंट होता है, ये मेजर नॉवलिस्ट ऑफ द अगस्टन एज, ठीक है, दैट इज डेनियल डिफो. सो डेनियल डिफो से भी एग्जाम में 4 से 5 बार क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया है. डेनियल डिफो है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और उसका जो वर्क है, नॉवल्स है, वो एग्जाम में कई बार वहां से क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है, तो वन बाय वन करके हम डेनियल डिफो का जो वर्क है उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट डेनियल डिफो है, इसका लाइफ टाइम है 1660 से 1731. ओके, सो ही इज ए मेजर नॉवलिस्ट एंड जर्नलिस्ट. ओके, तो इसका फर्स्ट वर्क है रॉबिन्सन क्रूसू. यहाँ से एग्जाम में 4 से 5 बार रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा गया है. रॉबिन्सन क्रूसू, ये इसका जो वर्क है, नॉवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो इसको हम डिटेल में करते हैं. सबसे पहले रॉबिन्सन क्रूसू है, ये एक नॉवेल्स है जो 1719 में पब्लिश हुआ था. ठीक है, ये जो नॉवेल है वो अपिस्टली फॉर्म में लिखा गया है. अपिस्टली जो लेटर, जिसको लेटर फॉर्म में लिखते हैं, अपिस्टली फॉर्म में लिखा गया है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, और ये जो नॉवेल है, इट इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर सेलकिर्क. ओके, अलेक्जेंडर सेलकिर्क ये पर्सन है. तो ये जो नॉवल है वो रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है. अलेक्जेंडर सेलकिर्क करके एक पर्सन है जिन्होंने एडवेंचर किया था. ओके, सो कौन से आइसलैंड पे? मास टीरा आइसलैंड पे अलेक्जेंडर सेलकिर्क है. वो कंटिन्यूसली 4 ईयर तक रहा था वहां. ओके, सो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि रॉबिन्सन क्रूसू है, इट इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर सेलकिर्क दिस पर्सन. ओके, तो ये रियल लाइफ स्टोरी जो एडवेंचर किया था अलेक्जेंडर सेलकिर्क ने, तो उसकी लाइफ पे बेस्ड है. ओके, नाउ व्हाट इज द कैरेक्टर? तो इसमें रॉबिन्सन क्रूसू हिमसेल्फ इज द नैरेटर एंड कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. रॉबिन्सन क्रूसू ओके, ही इज द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी. नाउ सेकंड पर्सन है इसमें जूरी. ओके, जूरी इज द सर्वेंट. एंड नेक्स्ट है इसमें फ्राइडे. फ्राइडे इज ऑल्सो द स्लेव था ये, जिसको रॉबिन्सन क्रूसू का ये लास्ट में सर्वेंट बना. ठीक है, सर्वेंट. सो ये 3 ही पर्सन है जो इम्पोर्टेंट है, बाकी नहीं है इस स्टोरी में. ठीक है, तो ये स्टोरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टोरी से ही रिपीटेडली 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, तो स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? अलेक्जेंडर रॉबिन्सन क्रूसू है, ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन द एडवेंचर्स. एडवेंचर थ्रू द सी, मतलब शिप के द्वारा, बोट के द्वारा डिफरेंट कंट्रीज में जाना. ठीक है, तो वहां कुछ मतलब एक्सपेंडिशन पे जाना, कुछ न्यू थिंग्स को डिस्कवर करना. सो ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन द यू नो मेक द एडवेंचर इन डिफरेंट कंट्रीज. बट हिज पेरेंट्स थे, दे वॉन्ट्स दैट दे शुड परस्यू हिज कैरियर इन लॉ. वे चाहते थे कि रॉबिन्सन क्रूसू है वो पढ़े अपनी मतलब अपना जो करियर है वो लॉ लाइन है, मतलब जो लॉ है उसमें उसका करियर है वो बने. बट रॉबिन्सन क्रूसू है, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन द स्टडीज एंड इंस्टेड ऑफ हिज पेरेंट्स यू नो विशेस अगेंस्ट हिज पेरेंट्स विशेस ही मेक हिज एडवेंचर. ओके, ही मेक हिज एडवेंचर टू लंडन. स्टार्टिंग में अपनी जो एडवेंचर है वो लंडन से शुरू करता है थ्रू द शिप. सो हिज फर्स्ट एडवेंचर था व्हेन ही वेंट टू लंडन. देन हिज शिप है, शिप इज अटैक्ड बाय द स्टॉर्म. बहुत ज्यादा तूफान जो समुन्द्र में आया उसमें उसकी शिप है वो वहां टोटली सैंक हो गई थी. एंड रॉबिन्सन क्रूसू है, ही इज सेव्ड बाय द अनदर शिप मैन. अनदर बोट था जिन्होंने रॉबिन्सन क्रूसू की लाइफ को सेव किया.
then he again make his journey to Africa, and this time his journey became successful, and he went to Africa. But in the way he is attacked by the pirates ne unko pe attack kar liya, and he make Robinson Crusoe slave. He put him into slavery for 2 years. Robinson Crusoe को अफ्रीका में स्लेवरी में डाल दिया गया, एंड ही हैड टू लिव देयर कंटिन्यूसली फॉर 2 years एज ए स्लेव. एंड एनी हाउ ही एस्केप्स फ्रॉम देयर थ्रू द बोट, एंड इन द सेम बोट ही फाइंड द पर्सन जूरी. ओके, जूरी ये जो पर्सन है, ये यंग बॉय, ही इज ऑल्सो विद द सेम बोट रॉबिन्सन क्रुसो. एंड रॉबिन्सन क्रुसो है he came this boy jury, and the captain of the Portuguese and this jury hai, he saved the life of Robinson Crusoe, and now Robinson Crusoe have make his journey again Africa. Okay, with this boy jury ke sath apni jo journey hai again Africa mein jata hai, and he meet the native Africans. They provide them food, उनको फूड देते हैं, सेल्डर देते हैं रॉबिन्सन क्रुसो और जूरी को. देन रॉबिन्सन क्रुसो है, देन दैट कैप्टन ऑफ द पुर्तगीज जो जिसने रॉबिन्सन क्रुसो को बचाया था, ही टेक रॉबिन्सन क्रुसो टू द ब्राजील. ओके, एंड देयर रॉबिन्सन क्रुसो है, ही स्टार्ट हिज सुगर प्लांटेशन. ओके, तो कैप्टन का जो पुर्तगीज का कैप्टन था, उसके साथ वहां रॉबिन्सन क्रुसो ने अपना सुगर प्लांटेशन शुरू किया, एंड देन ही डिसाइड टू मेक हिज जर्नी अगेन एंड टू अफ्रीका टू ब्रिंग द स्लेव फ्रॉम अफ्रीका. ओके, तो वो चाहता था कि जो अफ्रीका में जो लोग स्लेव हैं उनको वन बाय वन करके लाया जाए, एंड ही डिसाइड टू ब्रिंग द स्लेव फ्रॉम अफ्रीका. देन इन द वे थ्रू शिप गया वो बोट के थ्रू, एंड इन द वे हिज शिप इज क्या हो गया, इन द शिप रेक ही फाइंड हिमसेल्फ इन द अननोन आइसलैंड. ओके, तो यहाँ रॉबिन्सन क्रुसो है इस लाइन आइसलैंड पे, जिसका नाम था वेन जुलम आइसलैंड. एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है. वेन जुलम आइसलैंड ये ओर्नोको रिवर के पास था. कौन सी रिवर थी? ओरिनोको रिवर. ओके, इसके पास ये वेन जुलम आइसलैंड था, एंड हियर अलेक्जेंडर सेल्किट स्पेंड हिज 23 इयर्स ऑफ हिज लाइफ. ओके, 23 इयर्स सबसे ज्यादा लंबा टाइम इस आइसलैंड पे अलेक्जेंडर सेल्किक है वो स्पेंड करता है. नाउ ही फाइंड हिमसेल्फ इन द सिप्रेक वेन जुलन आइसलैंड. तो चारों तरफ उसके सैंड था, बहुत ज्यादा मिट्टी थी, बिल्कुल आइसलैंड बिल्कुल खाली था जहाँ पे. ओके, बट अलेक्जेंडर सेल्किक है, सॉरी रॉबिन्सन क्रुसो है, उसने डिसाइड किया कि ही विल लिव इन दिस ऑन दिस आइसलैंड कंटिन्यूसली, ही विल इम्प्रूव ऑन दिस आइसलैंड. एंड उसने क्या किया, वन डे ही थ्रो सम हैक्स ऑफ राइस और बार्ले. तो उसने क्या किया एक दिन कि बार्ले जो चावल और जो था उसके कुछ छिलके थे, उनको उस आइसलैंड पे फेंक दिया, और मे बी उनमें कुछ चावल और बार्ले होंगे. देन आफ्टर सम टाइम्स ही सा दैट द बार्ले एंड राइस है दे स्टार्टेड टू ग्रो. तो उसने देखा कि जो बार्ले और राइस है वो उग आए हैं, एंड ही वॉज वेरी सरप्राइज टू सी, एंड ही थिंक्स दैट इट इज द मिरेकल ऑफ द गॉड. उसने सोचा कि ये भगवान का ही कुछ मिरेकल है, कुछ जादू है. एंड नेक्स्ट डे क्या हुआ, रॉबिन्सन क्रुसो है अगेन, ही फॉल्स सीरियसली, काफी बीमार हो जाता है. एंड इन हिज ड्रीम ही फाइंड मीट ए मैन, दैट मैन केम डाउन फ्रॉम द स्काई से एक आदमी आता है जो रॉबिन्सन क्रुसो को उनके ड्रीम में मिलता है, एंड ही टेल्स रॉबिन्सन क्रुसो दैट ही विल डाई सून, कि वो जल्दी ही मरने वाला है. बट रॉबिन्सन क्रुसो है नेक्स्ट डे ही स्टार्टेड यू नो टू थिंक अबाउट हिमसेल्फ दैट हाउ अनरियलिस्टिक अनरिलीजियस पर्सन ही हैड बीन थ्रू हिज लाइफ, एंड ही स्टार्टेड टू प्रे गॉड, ही स्टार्टेड टू रीड द बाइबल, यू नो ही स्टार्ट एंड ही बिकेम्स ए रिलीजियस पर्सन. तो वो काफी रिलीजियस पर्सन बन चुका था, एंड ही रिकवर्स फ्रॉम हिज इलनेस. नाउ लेटर ही व्हाट ही डज, ही सा दैट यू नो कंटिन्यूसली ही सा द फुटप्रिंट्स ऑफ सम यू नो पर्सन्स ऑन द
on that island near the castle जहाँ पे वो रहता था उस island पे, तो उसने वहाँ कुछ footprints देखे बड़े-बड़े and he thinks that it is the footprints of the sledge, okay? तो he hide himself in his castle, अपनी castle में छुप जाता है उसकी जो भी रहने का स्थान था वहाँ and he finds that some person is continuously you know following a one young boy who is a स्लैब, ओके? तो वो कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे थे एंड दैट पर्सन दे आर फॉलोइंग इज कैनिबल्स, कैनिबल्स थे जो एक स्वेज का पीछा कर रहे थे स्लैब का, ओके? तो व्हाट रॉबिन्सन क्रूसू डज, रॉबिन्सन क्रूसू यू नो सेव दिस स्लैब, ओके, एंड किल द कैनिबल्स, उन कैनिबल्स को मार देता है और जो स्लैब होता है उसको बचाता है एंड ही गेव द नेम टू द स्लैब फ्राइडे, ओके? तो ये था फ्राइडे, इस स्लैब को रॉबिन्सन क्रूसो बचाता है उस आइसलैंड पे और इसको फ्राइडे नाम देता है। देन फ्राइडे है, दिस बॉय कंटिन्यूअसली डिसाइड टू लिव इन द सर्विस ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो, उसने डिसाइड किया कि वो रॉबिन्सन क्रूसो की सेवा में रहेगा, उसका सर्वेंट बन के, उसका सेवक बन के। नाउ रॉबिन्सन क्रूसो है ही लर्न हिम इंग्लिश लैंग्वेज, क्रिश्चियन रिलीजन, सो ही लर्न हिम एवरीथिंग whatever he had knowledge about, okay, and slowly Robinson Crusoe hai, he you know learns the English language, okay, so now Robinson Crusoe hai, he continuously you know making the development on this island, okay, now he learned how to harvest, how to grow the you know rice and barley and how to harvest it, how to make bread of this you know on these grains. तो कंटिन्यूसली वो धीरे धीरे सब कुछ सीख गया था एंड नाउ ही डिसाइड टू रिटर्न बैक टू लंदन एट हिज होम, ओके? तो आफ्टर 23 इयर्स वो घर जाता है एंड ही सेड दैट हिज पेरेंट्स इज ऑलरेडी डाइड, तो वहां घर में कौन रहता है, सिर्फ उसकी सिस्टर और उसके दो नेफ्यू रहते हैं एंड ही मीट्स देम एंड देन ही सडनली लिसन द न्यूज दैट हिज शुगर प्लांटेशन है इज रनिंग वेल एंड ही बिकेम्स ए रिच पर्सन सडनली, तो वो काफी खुश होता है एंड नाउ ही आल्सो अगेन डिसाइड टू मेक हिज यू नो जर्नी ऑन फुट, इस टाइम वो डिसाइड करता है कि वो अपनी यात्रा है वो पैदल यात्रा करेगा, तो उसके साथ बहुत सारे यू नो हंड्रेड्स ऑफ पीपल बाकी सब भी उनके साथ जाते हैं और वहाँ रास्ते में कुछ वुल्फ होते हैं जो उनपे मतलब अटैक, जिनके द्वारा वो घेर लिए जाते हैं, बाद में उनको वन बाय वन करके कैसे भी वहां से निकलता है एंड लास्ट में रॉबिन्सन क्रूसो है डिसाइड करता है कि क्यों ना मैं एक बार जिस आइसलैंड पे 23 इयर्स ने स्पेंड किए तो वहां जाके मैं देखता हूँ, ओके? तो ही मेक हिज जर्नी अगेन द सेम आइसलैंड एंड ही सा दैट देयर स्पिनियर्ड पीपल है, दे ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड देयर कॉलोनीज, ओके, ऑन द सेम आइसलैंड। कौन सा आइसलैंड? वेंजुलन आइसलैंड, जहाँ पे अलेक्जेंडर सेल्किन 23 इयर्स स्पेंड किए थे, वहां पे अभी स्पेनिश पीपल आ गए थे, उन्होंने अपनी कॉलोनिया एस्टेब्लिश कर ली थी, तो अलेक्जेंडर सेल्किन वहां से निकल लेता है, सॉरी रॉबिन्सन क्रूसो वहां पे निकल लेता है एंड लास्ट में ही डिसाइड टू गो टू द ब्राजील टू सी हिज ब्राजील प्लांटेशन। तो ये स्टोरी थी रॉबिन्सन क्रूसो की, ओके? तो रॉबिन्सन क्रूसो की जो लाइफ है वो पूरी की पूरी अलेक्जेंडर सेल्किन, जिसने 4 वर्ष अपना मास्टेरा आइसलैंड पे स्पेंड किया था, उसी की लाइफ उसी से इंस्पायर्ड है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, सबसे पहले रॉबिन्सन क्रूसो है ये पब्लिश्ड हुआ 1719 में और ये अपिस्ली फॉर्म में लिखा गया है, कई बार जैसे फोर व्हील्स ऑफ प्रोज में मैंने करवाए थे तो वहां पिकार्सिक नोवेल और पिस्ट्री फॉर्म में लिखे गए हैं, तो ये काफी कंफ्यूजन होता है, एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है? तो अपिस्ली फॉर्म को आपको ध्यान में रखना है एंड सेकंड जो क्वेश्चन आया था वो आया था कि किसकी लाइफ पे बेस्ड है, वो ऑलरेडी मैंने बता दिया अलेक्जेंडर सेल्किन की लाइफ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा आइसलैंड था जहाँ पे रॉबिन्सन क्रूसो ने 23 इयर्स स्पेंड किए थे, दैट इज वेंजुलन आइसलैंड, ओके? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रॉबिन्सन क्रूसो गिव द नेम ऑफ द बॉयज टू द स्लेव, ओके, क्या नाम देता है, तो इसको फ्राइडे नाम देता है, ठीक है? ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में। सो दैट इज ऑल अबाउट रॉबिन्सन क्रूसो डिटेल में, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम के लिए दैट इज इनफ, ओके?